सभी किसान भाइयों का मेरा नमस्कार। मैं विनय कुमावत एसलीपीएस वेलनेस का डायरेक्ट सेलर आज आपके सामने लाया हमारे एक बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम है एग्रो 90। ये सिलिकॉन स्प्रेडर के नाम से भी आता है। इसके मुख्यतः काम बताऊं तो आप जो मार्केट से फंगीसाइड इल्ली कीटनाशक जो चीजें लाते हैं आप उसको इसके साथ मिला के डाल सकते हैं। इसके जो काम उसको मिला के डालेंगे तो इसका जो काम है 10 गुना गति से बढ़ जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि एक पौधा है, अगर उस पर हमारा जो एग्रो 90 एक परत बना देता है, एक चिकनी परत बना देता है, जिसके होगा क्या, जिससे अगर मच्छर और मक्खी आपके पौधे पर आएंगे तो पहली बात तो वह टिक नहीं पाएंगे, और टिक नहीं पाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो अंडे नहीं दे पाएंगे, और अंडे नहीं दे पाएंगे तो वहाँ इल्ली की समस्या बढ़ेगी नहीं। और हमारा अगर आप ये पहले ही इल्ली के स्प्रे में इसको यूज करते हैं तो आपकी जो इल्ली की समस्या है वो दूर हो सकती है। और साथ ही ये क्या काम करता है, आपके जो पास के खेत से आने वाली जो समस्या है उसको आपके खेत में आने नहीं देता है, और ये पानी को फैलाने का काम करता है, स्प्रेड करने का काम करता है। आप इसको टॉनिक के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, आपके इल्ली की दवाई के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैं इसके रिजल्ट बताऊं एक प्रैक्टिकल, क्योंकि एक जो किसान है वो प्रैक्टिकल पे विश्वास करता है, तो मैं आपका इसका एक डेमो आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सादा पानी है और हम 5 ml यहाँ से इंजेक्शन के द्वारा सादा पानी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे, और उसी प्रकार हम 2.5 ml हमारा चिपको लेंगे और 2.5 ml चिपको इसके अंदर डालेंगे और 2.5 ml पानी डालेंगे। तो ये हमारे 5-5 ml का घोल बन चुका है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सादा पानी है, सादा पानी दर्शाता है आपके जितने भी कीटनाशक है, इल्ली की दवाई है, वो इसी प्रकार सादे पानी के रूप में रहती है। और जिस कीटनाशक या इल्ली की दवाई के साथ हमारा एग्रो 90 मिक्स होगा वो किस प्रकार काम करेगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कार्डबोर्ड है, वो कार्डबोर्ड के ऊपर जैसे ही अगर मैं सादा पानी डालूंगा तो सादा पानी डालने पर यह पूरी तरीके से कागज को गलाएगा नहीं और ये बह जाएगा। जिस प्रकार आपकी फसल रहती है, फसल के ऊपर आप अगर डायरेक्ट आपका ये जो भी आप टॉनिक और इल्ली की दवाई प्रयोग करते हैं तो वो फसल के ऊपर टिकती नहीं है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप हमारा एग्रो 90 मिला हुआ पानी या कोई भी कीटनाशक या टॉनिक जैसी फसल के ऊपर डालते हैं तो ये जिस प्रकार आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे आपके पत्तों के ऊपर, फसल के ऊपर इसका फैलाव करेगा, जैसा कि आप पूरी तरीके से इसको देख सकते हैं। और एक से और सबसे बड़ी चीज है कि आपकी जो दवाई वेस्ट जाती है हवा से, क्योंकि आप अगर आप एग्रो 90 का उपयोग अपनी फसल के अंदर नहीं करेंगे तो जो आपकी दवाई है वो अगर आप हवा चलेगी तो वो वेस्ट चली जाएगी और आपका जो पानी है वो गिर जाएगा। लेकिन जहां आपका चिपको था वो आपका जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये कागज को इसने गला दिया है, उसी प्रकार आपकी फसल के ऊपर ये फैलाव करेगा। और मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि आपकी सोयाबीन की फसल में इल्ली के पहले स्प्रे के आप हमारे एग्रो 90 का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और अपने फसल में ज्यादा से ज्यादा उपज पैदा करें। धन्यवाद।